गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदी न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती है। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को परसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी होगी इफ़ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि जो आपने बिट एंड पीसीज में सीखी है, जो अपनी नेटिव लैंग्वेज या वर्नेक्युलर लैंग्वेज जिसमें आप बोल रहे होंगे, वो आपने बचपन से सीखी है, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू आर्टिकुलेट योरसेल्फ इन दैट लैंग्वेज। एंड सेम आपको स्ट्रेटजी इस पर इम्प्लीमेंट करनी होगी, इसके जो हर न्यूआंसेस छोटी छोटी चीज़ों को सीखना होगा, देन ओनली यू वुड बी एबल टू लाइक वेल इक्विप्ड होगे, वेल इक्विप्ड मतलब अच्छे से आपके समर्थ रहेंगे टू आर्टिकुलेट योरसेल्फ इन दिस ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज है डेफिनेटली ये। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको कंटेंट मिल जाता है। यहाँ पे आज प्रोफाइल पेज पे जो एक आर्टिकल छपा है, आज एडिटोरियल पेज तो छपा नहीं संडे को, तो ये बट क्रोनिकलर ऑफ ग्रीफ, क्रोनिकल होता है लगातार कंटिन्यूस, मतलब कोई कलाकर्म, मतलब पीछे से हिस्टोरिकल जो टाइम है उसको टाइमलाइन को बोलते हैं क्रोनिकलर ऑफ ग्रीफ। तो इन्होंने ये मतलब वो जो लेडीज के लिए यूज हुआ है तो उनको क्रोनिकलर ऑफ ग्रीफ बोलते हैं। ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख होता है। तो इनका नाम है हांगकांग, ये साउथ कोरिया से है। देखो हांगकांग द अक्लेम्ड, अक्लेम्ड होता है प्रसिद्ध, काफी फेमस लेडीज हैं ये, जिनकी प्रशंसा भी हुई क्योंकि अभी नोबेल प्राइज मिला है उनको। हैज बीन अवार्डेड, देखो ये पैसिव फॉर्मेट होता है कि हैज बीन अवार्डेड, इनको अवार्ड दिया गया किसी के द्वारा, द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में मिला है फॉर हर उसके इंटेंस बहुत गहन कड़ा पोएटिक प्रोज होता है गद्य, जैसे आपने सुना होगा कविता बोलते हैं उसको बोलते हैं वर्सेस मतलब कविता, बट यहाँ पे प्रोज होता है जो गद बोलते हैं ना हिंदी में, पद गद होते हैं, तो पद होता है वर्सेस और प्रोज होता है गद्य। तो इंडियन पोएटिक प्रोज, पोएटिक की तरह गद्य लिखा हुआ था, दैट कन्फ्रंट्स, जो सामना करता है हिस्टोरिकल ट्रोमा, या मन जो हिस्टोरिकल ट्रोमा क्या होता है, दुख होता है। ट्रोमा सेंटर देखा होगा ना कहीं कहीं लिखा हुआ है तो मेडिकल में, तो ट्रोमाज, तो हिस्टोरिकल जो दुख चले हैं उनको ये कन्फ्रंट करता है या उनको एक्सप्लेन करता है, एंड एक्सपोज करता है, एक्सपोजिस मतलब उजागर करता है, डाइवल्ज करता है, रिवील करता है द फ्रेजिलिटी, फ्रेजाइल होता है कि अक्षण बरुकिंग होता, मतलब जो नाजुक चीजें हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ। दिस रिकग्निशन, जो ये रिकग्निशन को पहचान मिली है, हाईलाइट करती है हर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हिस्सा किसी चीज में अपना पार्ट करना टू लिटरेचर साहित्य में, पर्टिकुलरली इन एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स, एड्रेस मतलब चीजों को रिजोल्व करना, सोल्व करना कॉम्प्लेक्स थीम्स, जो जटिल थीम्स होती हैं, थ्रू ए यूनिक नैरेटिव स्टाइल। नैरेटिव स्टाइल होता है कि व्याख्या करना, व्याख्या किसी चीज की व्याख्या, हिंदी में सुना होगा कि व्याख्या करना, तो उनका एक अपना ही विचित्र तरह का स्पेशल नैरेटिव स्टाइल है। ओवरव्यू ऑफ हांगकांग वर्क, तो ओवर देखेंगे तो हांगकांग का क्या वर्क है, थीम्स ऑफ ग्रीफ एंड ट्रोमा, तो थीम्स कौन चली हैं, दुख की और ट्रोमा की। हांस नोवल ऑफन एक्सप्लोर द थीम ऑफ ग्रीफ ट्रोमा एंड ह्यूमन कंडीशन, तो हान की जो नॉवल्स थी ना, किताबें थी, ऑफन प्राय एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर देखो ऐसे भ्रमण करते हैं ना, किसी चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए घूमते हैं ना, तो उसको एक्सप्लोर करना बोलते हैं। तो हान की नॉवल जो एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ ग्रीफ, जो थीम रहती है ग्रीफ, दुख की, ट्रोमा बिल्कुल जो दर्दनाक चीजें होती हैं, एंड द ह्यूमन कंडीशन, आदमियों की कंडीशन। हर वर्क्स उनका जो काम है ना, रिफ्लेक्ट करता, दर्शाता है ऑन हिस्टोरिकल इवेंट, जो पास्ट में इवेंट्स हुए ना, घटनाएं घटी हैं, पर्टिकुलरली विशेष रूप से दोज इन्वॉल्विंग वायलेंस, इसमें हिंसा के बारे में बात हो रही है, ऑपरेशन किसी को दबाया जा रहा है, एंड इंश्योर करना, इंश्योर मतलब इस चीज को ध्यान रखना, दैट दिस नैरेटिव, ये जो व्याख्या करने के स्टाइल है उनके, आर मेमोराइज मतलब उनको मेमोरी की तरह बनाया गया, रादर देन फॉरगेटन, उनको याद किया जाए ना कि उनको भूला जाए। नोटेबल नॉवल्स कौन कौन सी हैं, कि द वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन आप ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आ सकता है कि भाई द वेजिटेरियन बुक किससे रिलेटेड है, तो हांगकांग अभी न्यूज में है तो करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया आपका। तो इन्होंने बात की दिस नॉवल जो फॉलोज करती है स्टोरी ऑफ योंग हाई, किसी का नाम है मतलब साउथ कोरिया में ही होगा, हु डिसाइड टू स्टॉप ईट मीटिंग, जिसने भाई डिसाइड कर लिया था कि वो मीट नहीं खाएगा, लीडिंग टू डिवास्टेटिंग मतलब तबाह करने वाले कंसिक्वेंसेज रिजल्ट आए विद इन हर फैमिली उसकी फैमिली में आए। तो इट एड्रेसेस, ये एड्रेस करता है, रिजोल्व करता है इशू, मुद्दे को, मेंटल इलनेस के जो मतलब दिमाग की बीमारी है, या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, या समाज की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है आपसे, तो ऐसा ये द वेजिटेरियन उनका नॉवल है। सेम ह्यूमन एक्ट्स भी उनका नॉवल है, उसमें बात की गई सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप,
बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि, जैसे मान लो इसका बैकग्राउंड कैसा है, व्हाइट है ना, तो सेम ऐसे बैकड्रॉप मतलब इसकी पृष्ठभूमि देखते हुए सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द 1981 जू अपराइजिंग। तो ये जगह का नाम है वहां पे ग्वांगजू। तो 1980 में अपराइजिंग हुई, वहां पे विद्रोह हुआ, अपराइजिंग विद्रोह हुआ, दिस वर्क जो ये वर्क लिखा है उन्होंने, डेल्स डेल घुस जाता है इनटू मैसेकर, मैसेकर हत्याकांड ऑफ सिविलियंस, जो सिविलियन जनता है, एग्जामिन करता है हाउ सच हिस्टोरिकल ट्रोमाज, जैसे कुछ ऐसे हिस्टोरिक हिस्ट्री में ट्रोमाज दुख हुए थे, रेजोनेंट रेजोनेंट मतलब उसका सिमिलर मिलना थ्रू टाइम, रेजोनेंट मतलब उनका क्या सामंजस्य बनता है टाइम से, हिस्टोरिकल इवेंट कैसे हुए, आदमी वहां पे हत्याकांड हुए सिविल आना आदमियों का, और एग्जामिन करता है हिस्टोरिकल जो दुख है वो रेजोनेंट वो सिमिलर बैठते हैं थ्रू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। द व्हाइट बुक, व्हाइट बुक भी उनका नॉवल है, एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होता है अपने में जो खुद का वृतांत होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, तो आप बीती का, तो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क दैट सर्व्स एन एलेजी। एलेजी मतलब देखो शोक संगीत होता है, किसी के मरने पे गाया जाता है जो एलगी एलेगी, तो एलेगी एलेजी एलेजी भी बोल सकते हैं, एलेजी फॉर ए सिबलिंग, सिबलिंग मतलब जो उनके भाई बंधु होंगे जो भी, हु डाइड शॉर्टली आफ्टर बर्थ, जो बर्थ के बाद ही मर गए थे। एक्सप्लोरिंग, तो ये एक्सप्लोर करते हैं मतलब वही भ्रमण करते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, थीम्स ऑफ लॉस एंड मेमोरी, लॉस एंड मेमोरी की तरफ, थीम की तरफ ये एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट नॉवल है वी डू नॉट पार्ट, वी डू नॉट पार्ट हर लेटेस्ट नॉवल, अभी लेटेस्ट नॉवल सेट ड्यूरिंग 98 जेजू आइलैंड मैसेकर, जेजू में जो है आइलैंड पे मैसेकर हुआ था, फोकस ऑन फ्रेंडशिप एंड शेयर्ड ट्रोमा, दोस्ती पे और शेयर्ड ट्रोमा पे, मतलब दोनों का एक साथ ही दुख के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है लिटरेरी स्टाइल, इनका जो साहित्य का स्टाइल कैसा है, ढंग कैसा है, हांगकांग इज नोटेड फॉर हर पोएटिक एंड एक्सपेरिमेंटल राइटिंग, तो पोएटिक पोएटिक के बारे में लिखती हैं, मतलब ये जो है कविता लिखती हैं, और एक्सपेरिमेंटल बार बार नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, राइटिंग स्टाइल विच ऑफन प्राय तौर से ब्रांड्स, ब्रांड मतलब मिक्स होता है, लिरिकल प्रोज, लिरिकल मतलब जिसको एक लय में गाया जा सकता है, प्रोज मतलब वही गद्य है, दैट स्टार्क जो कि रियलिटी विद स्टार्क रियलिटी, स्टार्क मतलब बहुत कड़ी सख्त, इसके साथ रियलिटी होती है, हर एबिलिटी टू कन्वे, उनकी जो योग्यता है ना कन्वे करना, कन्वे मतलब किसी के पास मैसेज पहुंचाना, डीप इमोशनल ट्रूथ, जो इमोशनल ट्रूथ है मार्मिक जो सच्चाई है, वाइल एड्रेसिंग सोशल इशू, वो एड्रेस भी करती हैं चीज़ों को, रिजोल्व करती है समाज के जो मुद्दे हैं, हैज ग्रांटेड हर इंटरनेशनल अक्लेम, तो उसको प्रदान कर दिया इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे अक्लेम, प्रशंसा, रिकग्निशन एंड इम्पैक्ट, हांगकांग इज फर्स्ट साउथ कोरियन राइटर टू रिसीव द नोबल प्राइज, तो पहली साउथ कोरिया की राइटर है जिनको नोबल प्राइज मिला है इन लिटरेचर, एंड मेकिंग मार्किंग ए हिस्टोरिक मोमेंट ऑफ फॉर कोरियन लिटरेचर, कोरियन लिटरेचर के लिए बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट हो गया ये, वाटर साइड मोमेंट हो गया ऑन दी ग्लोबल स्टेज, ग्लोबल स्तर पे। हर विन इज सीन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग रिकग्निशन, उनकी जो जीत है वो देखी गई है एज ए रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन क्या, प्रतिबिंब परछाई ऑफ द इंक्रीजिंग रिकग्निशन, जो पहचान बन रही है ना डाइवर्स अलग अलग तरह की वॉइसिस को इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, जो आज के टाइम का हाल फिलहाल का लिटरेचर साहित्य चला हुआ है, अलग अलग वॉइस को यहाँ पे जगह मिल रही है। फॉलोइंग दी अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट होने के बाद, जो घोषणा होने के बाद बोलते हैं, देर वॉज ए सर्ज, सर्ज मतलब इंक्रीज इन इंटरेस्ट ऑफ इन हर वर्क, तो उनका नाम का घोषणा हो गया कि भाई अभी वह, तो उनके जो वर्क में आदमी ज्यादा डेल हो गई क्योंकि बहुत ही नोबल लोरेट हो गई वो, विद रीडर्स फ्लोकिंग, फ्लोकिंग मतलब झुंड बन गया, टू बुक स्टोर, बुक स्टोर पर जाते हैं टू परचेज हर नॉवल्स, डेफिनेटली आपको पता है नोबल प्राइज का नाम होगा तो ऑटोमेटिकली मान लो इंडिया में भी कोई नहीं जानता होगा, बट आज उसका नाम हांगकांग का नाम जानने लगे साउथ कोरिया के लिटरेचर के बारे में, व्हाइट बुक है या हाउ वी डू नॉट पार्ट एंड या फिर जो ह्यूमन एक्ट्स है या वेजिटेरियन है, तो डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल पे इनको रिकग्नाइजेशन मिली है। कंक्लूजन क्या है, हांगकांग नोबल प्राइज विन नॉट ओनली सेलिब्रेट, सेलिब्रेट देखो वैसे तो उत्सव मनाना होता है जैसे आप दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, बट यहाँ पे ओनर भी है, तो ये कह रहे हैं कि भाई नोबल प्राइज जो है ना विन नॉट ओनली सेलिब्रेट्स, ये सम्मान देता है या ओनर देता है हर लिटरेरी अचीवमेंट जो उनकी साहित्य में अचीवमेंट है, बट ऑल्सो अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर मतलब जोर देता है द इम्पोर्टेंस, जो महत्वपूर्ण है जो कन्फ्रंटिंग सामना करना, हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हिस्ट्री में इनजस्टिस हुआ अन्याय हुआ है थ्रू लिटरेचर, लिटरेचर के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हर वर्क्स उनके काम है जो रेजोनेंट मतलब उनका सामंजस्य बैठता है विद रीडर्स वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड में इनवाइटिंग देम टू रिफ्लेक्ट एक टू ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो वो बताते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी जटिलताएं हैं कॉम्प्लिकेशन है ह्यूमन के एग्जिस्टेंस में, एंड एंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑफ ट्रोमा, और जो इंड्योर मतलब जो बना रहता है सहन बना रहता है सस्टेन रहता है, इम्पैक्ट प्रभाव क्या पड़ता है ट्रोमा दुख पे, जो पीछे हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ उनका
एज सी कंटिन्यूज टू इंस्पायर, वो मतलब रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, परसिस्टेंट रहेगी, इंस्पायर आदमी को प्रेरणा देने के लिए, न्यू जनरेशन, आने वाली जनरेशन ऑफ रीडर्स या राइटर्स को हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर रिमेन प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मतलब प्रफुल्लता से, बहुत ज्यादा मात्रा में, सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज्यादा मात्रा में महत्वपूर्ण है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की, ब्रीफली, ब्रीफली मतलब संक्षिप्त रूप में मैंने बताने की कोशिश की है क्या इस आर्टिकल में लिखा गया है, क्योंकि सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम को सेव रखिए अदर एक्टिविटी के लिए। हाँ, ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इसको भी सीखना है, तो वन ऑफ दी पर्सपेक्टिव है, आपको ये देखना है। और आज के लिए इतना ही, बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स आए हैं, इनको यूज कीजिए पूरे दिन में कन्वर्सेशन में अपनी लोकल लैंग्वेज, वर्नेकुलर लैंग्वेज के साथ एड ऑन करके। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आपको ये करना है, लाइक करना, कमेंट करना है, और थोड़ा सा शेयर भी करना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। बाय।